राजस्थान में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम राज्यपाल के बीच आमने सामने जैसी स्थिति नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल को बगैर किसी दबाव में फैसला लेना चाहिए, नहीं तो अगर राजभवन को घेरने जनता आ गई तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। गहलोत की इस टिप्पणी के थोड़ी देर बाद कांग्रेसी विधायक राजभवन पहुंच गए, जहां परिसर के पार्क में वे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना के कारण विधानसभा सत्र नहीं हो सकता है सही है, तब हम 200 विधायकों की कोरोना जांच कराने को राजी हैं। इससे पहले हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री का कहना है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही होगा। केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। सभी विधायक अब राजभवन पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि कोई भी विधायक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कोविड पॉजिटिव विधायकों ने वोट दिया था। इससे पहले गहलोत ने कहा, हमने राज्यपाल महोदय को हाल ही में पत्र भेजकर निवेदन किया था कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें राजनीतिक हालात कोरोना पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण मजबूरी में वो विधानसभा बुलाने के निर्देश नहीं दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राजभवन के अंदर सबके सामने रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे कि आप किसी के दबाव में ना आए, आपका संवैधानिक पद है, आपने शपथ ली हुई है, वरना फिर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।